अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? काफ़ी अर्से बाद में आया हूँ आज एक नए वीलॉग के साथ। बेसिकली ये वीलॉग नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेशन है जिस पे मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हम लोगों ने बचाया है। आप लोगों को पता होगा कि रिसेंटली न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में हर जगह एक चीज़ चल रहा था कि भाई 48 घंटे में पाकिस्तान में बहुत ख़तरनाक जिलजिला आ रहा है। जो उसकी मेन जगह होगी चमन होगा, जो कोयटा से आगे एक शहर है चमन के पास ही, वहाँ पे जिलजिला आएगा और जिसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा होगी, रिक्टर स्केल पे 6.0 कुछ होंगी। ये एक पेशन गोई था और इसी वजह से खौफ हरास बहुत फैल रहा था पूरे मुल्क में। खैर ज़्यादातर जो खौफ हरास फैल रहा था कराची हो गया, बलूचिस्तान हो गया, क्योंकि गाइज आपको याद होगा 1935 में जब पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले कोयटा में खौफनाक जिलजिला आया था, काफ़ी घर काफ़ी चीज़ें तबाह हो गया था, इवन कोयटा शहर पूरा का पूरा तबाह हो गया था, काफ़ी नुकसान हो गए। तो ये इसका शुक्र है अल्लाह ताला का कि भाईजान अल्लाह ताला ने हम लोगों ने हमें इस चीज़ से बचाया और शुक्र अदा करें अपने रब का। और साथ ही साथ मैं ये बोलूँगा कि जो पेशन गोई होती है, जिस बंदे ने पेशन गोई की थी इससे पहले भी उसने बहुत सारे पेशन गोई की थी जिस पर इसका कोई पेशन गोई सही नहीं रहा, मगर लास्ट टाइम जो 2023 में फरवरी में उन्होंने एक पेशन गोई की थी तुर्किया में, मतलब तुर्की में जो जिलजिला आया था उसकी भी उन्होंने पेशन गोई थी। और उसको देखते हुए, क्योंकि जिलजिला तो आ गया था, उसको देखते हुए फिर काफ़ी लोग परेशान हो गए थे कि भाई ऐसा रहो कि पाकिस्तान में आए। फिलहाल उन्होंने 48 घंटे का एक टाइम दिया था, 48 घंटे का, तो अल्लाह ताला ने बचा दिया। अब रब की ज़ात जानती है कि हो सकता है कि जिलजिला आए। और उस जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो उस दौरान जिलजिला नेपाल में और इंडिया में आ गया था, और ये पेशन गोई उनकी सही साबित हुई, बगैर जगह सही नहीं था। मगर अल्लाह ताला सबकी हामी नासिर हो, और बहुत अफसोस के साथ उम्मीद करता हूँ कि कोई भी जानी नुकसान ना हुआ हो। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अपने नए वीलॉग में। अल्लाह हाफिज़।